तो फ्रेंड्स आज हम बात करने वाले हैं जिसकी हमने प्रैक्टिस कर लिया। मैंने वैसे जो बिगिनर्स के लिए वीडियो बना दी है वो बना दिया फ्री स्टाइल के ऊपर, बिल्कुल बिगिनर हो उसको पूरा का पूरा फ्री स्टाइल आ जाएगा। उसके बाद आगे बैक स्ट्रोक, उसके बाद ब्रेस्ट स्ट्रोक के बाद बैक स्ट्रोक की वीडियो बनाई है। पर आज हम रिविजन करने वाले हैं जो कि मैंने आपको बताया सारा कुछ। तो सबसे पहले फ्री स्टाइल, ब्रीथिंग कैसे करते हैं, मुँह से सांस लेते हैं नाक से छोड़ते हैं, ये फ्री स्टाइल के लिए है। बाकी सबके लिए यही अप्लाई होता है, मुंह से सांस लेना है नाक से छोड़ना है, पानी के अंदर जाके आराम से बाहर आके हमने फिर लेना है फिर छोड़ना है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा हैंड मूवमेंट, ठीक है, सॉरी फ्लोटिंग है। फ्लोटिंग के लिए स्टार्टिंग में क्या करना है, हमने सांस ब्रीथ चेस्ट में होल्ड करना है, कैसे होल्ड करके देन फ्लोट करना है, ठीक है। फ्लोट करके जैसे हमारी किक ऊपर आते हैं हमें चलानी शुरू कर देनी है, क्योंकि अगर आप किक नहीं चलाते तो किक बार बार नीचे जाती रहेगी, ठीक है। नहीं तो आप फ्लोटिंग की प्रैक्टिस करते 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 चार दिन ऐसे निकाल दोगे। उसके बाद आती है हैंड मूवमेंट। हैंड मूवमेंट जो फ्री स्टाइल के लिए रहती है वो कैसे रहती है, जो मैंने बताया था कि इसको ऐसे करके खींचना है, एल्बो जो होती है इसको हम ऐसे करके खींचते हैं। पर कई क्या होते हैं कि सीधा चला रहे होते हैं ऐसे सीधा ऐसे, ये चीज़ हमें इशू करती है, प्रॉब्लम क्रिएट होती है। जब हम ऐसे खींचते हैं तो हमारी बॉडी आगे को बढ़ती है, जब हम ऐसे करते हैं तो आधे पार्ट में बॉडी हमारी ऊपर आ रही होती है, आधे पार्ट में आगे जा रही होती है, आधे पार्ट में हमारी बॉडी नीचे जा रही होती है। जब हम ऐसे पुश करते हैं तो सिर्फ हम आगे को ही बढ़ते हैं, लाइक दिस, ऐसे हम चलते हैं स्विमिंग, लाइक ये चीज़ स्विमिंग की करते हैं हम, ठीक है। ये रहती है प्रैक्टिस, देन फ्री स्टाइल हो गया सारा। उसके बाद आ जाता है हमारा ब्रेस्ट स्ट्रोक। ब्रेस्ट स्ट्रोक में हैंड मूवमेंट चलते हैं चेस्ट से ऊपर ऊपर, मतलब कि यहाँ तक चलेंगे, हाथ आगे आते हैं खुलते हैं पीछे आते हैं फिर चेस्ट खुलते हैं पीछे आते हैं। कोशिश करनी होती है ब्रेस्ट में ऐसे हाथ ना चलाओ, पूरे खोल के ना चलाओ, ठीक है, हमने चलाने सिर्फ ऐसे, ठीक है, ये समझ में आ गया। ब्रेस्ट में जब भी अपने हाथ चलाने तो बाहर आके सांस लेना, लिसन, जैसे कि आप लेग से पूछ लिया आगे के सांस लिया फिर सांस लिया, यही ब्रेस्ट में ये रहती है। किक मूवमेंट कैसे रहती है ब्रेस्ट में, जैसे फ्रॉग मारता है, लाइक दिस ज्वाइंट, ठीक है, ये रहती है। उसके बाद आती है हमारी बैक स्ट्रोक में ऊपर देखना है, फ्री वाली किकिंग चलनी है। देन हैंड मूवमेंट जो मैंने सही एक्यूरेट बताया है वो ऐसे बनानी होती है, ऐसे पीछे जाके देन इसको ऐसे, ठीक है ना, हाथ बाहर नहीं आना चाहिए, ऐसे ऐसे। बाकी इन सब के ऊपर मैं वीडियो बनाई हुई है, आप देख सकते हो, पानी के अंदर भी बनाई है, बाहर भी बताया हुआ है, ताकि जो आपको बिगिनर्स को सीखने में कोई दिक्कत ना हो। तो आज हमने मैंने जो सारा है वो रिपीट करके एक ही वीडियो में सारा कुछ इसलिए बता दिया कि आपको जो भी प्रॉब्लम हो रही है वो आपको थोड़ी बहुत दूर हो जाए, ठीक है। तो ये चीज़ आप बाहर भी प्रैक्टिस किया करो, अंदर भी किया करो, पर अगर आपको ये थोड़ा बहुत आ गया है तो आप पानी के अंदर ही प्रैक्टिस करो कंटिन्यू, जिसके कारण होगा जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे वैसे वैसे आप सुधरते जाओगे, निखरते जाओगे, ये बेनिफिट मिलेगा। तो आई होप कि आपको अच्छा लगा हो, आज के लिए इतना काफ़ी है, बाय फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर योर वीडियो और स्विमिंग टिप्स, ऐसे लिखा है बढ़िया लगता है, तो बाय।